हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सीसी क्रीम से बहुत ही सिंपल तरीके से मेकअप करना बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं अपने पूरे फेस पे डॉट डॉट करके सीसी क्रीम लगा रही हूँ, और इसके पहले मैंने मॉइस्चराइज़र प्राइमर का यूज़ कर लिया है। और अब मैं यहाँ पे ब्रश से अच्छे से सीसी क्रीम को ब्लेंड कर रही हूँ। आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकती हैं। तो इस तरीके से ब्लेंड करने के बाद अब मैं अपनी आँखों पे कंसीलर का यूज़ कर रही हूँ। आपकी आँखों के आसपास जो भी डार्कनेस होती है या आपके फेस पे अगर दाग धब्बे हैं तो आप कंसीलर का यूज़ करके उन्हें छुपा सकती हैं। तो इस तरीके से मैं कंसीलर को ब्लेंड कर लूँगी। और उसके बाद मैंने लिया है कम्फैक्ट पाउडर। तो कम्फैक्ट पाउडर से अच्छे से मैं अपने मेकअप को सेट करूँगी। सीसी क्रीम अच्छे से सेट हो गई है। और अब मैं यूज़ करूँगी आईब्रो पेंसिल। तो मैं बहुत ही नेचुरल तरीके से अपनी आईब्रो को फिल करूंगी। तो इस तरीके से अपनी आईब्रो को फिल करने के बाद मैंने ब्रश से अच्छे से अपनी आईब्रो को सेट कर लिया है। और उसके बाद अब मैं ले चुकी हूँ आई शेडो पैलेट। तो मैं बहुत ही सिंपल मेकअप कर रही हूँ, इसीलिए मैं बहुत ही सिंपल आई मेकअप करूँगी। तो यहाँ पे जो मैंने ड्रेस पहन रखी है उस कलर, वो कलर मेरे आई शेडो पैलेट में नहीं था, इसीलिए मैं यहाँ पर वाइट पिंक से अपना आई मेकअप कर रही हूँ। और मैं अपनी फिंगर से आई शेडो लगा रही हूँ। आप ब्रश से भी लगा सकती हैं, अपनी फिंगर से भी ब्रश की तरह आप लगा सकती हैं, बहुत ही अच्छे से लग जाता है। तो ज़्यादा हैवी मेकअप करना नहीं है, बहुत ही सिंपल मेकअप करना है। तो ये देखिए, मैंने बहुत ही हल्का आई शेडो यूज़ किया है। और उसके बाद मैं अब लगाऊँगी आई लाइनर। तो आई लाइनर भी मैं बहुत ही हल्का ही लगाऊँगी, पतला, क्योंकि मोटा मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है और सिंपल मेकअप है, तो सिंपल मेकअप के साथ पतला ही आईलाइनर अच्छा लगता है। इसके बाद अब मैं मस्कारा यूज़ करूँगी। मस्कारा लगाने के बाद अब मैं लगाऊँगी काजल। तो मैंने यहाँ पे लैक्मे का काजल लिया है, और काजल भी मैं बहुत हल्का यूज़ करूँगी, ज़्यादा मोटा काजल नहीं लगाऊँगी। तो देखिए, मैंने इस तरीके से अपनी आँखों में काजल लगा लिया है। और अब मैं लगाऊंगी हाइलाइटर और ब्रश। तो अपने गालों पे, नाक पे, माथे पे, चिन पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ। जहाँ जहाँ पे आपको हाईलाइट करना होता है वहाँ पे आप हाइलाइटर का यूज़ करें। उसके बाद मैं अब करूँगी लिप मेकअप। तो लिप मेकअप के लिए सबसे पहले मैं आउटलाइन बना रही हूँ ब्लैक पेंसिल से। उसके बाद मैं अपने मनपसंद की लिपस्टिक का यूज़ करूँगी, जिससे कि ये होठों के बाहर नहीं निकलेगी, उसी आउटलाइन के अंदर अंदर आपको यूज़ करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा मेकअप हो चुका है। तो ये है मेरा फाइनल रिजल्ट। तो आप लोगों को ये मेरा मेकअप कैसा लगा? मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से सीसी क्रीम से आपको मेकअप बताया है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये मेरा मेकअप कैसा लगा, और आपको मेरे मेकअप वीडियो कैसे लगते हैं, आप लोगों को कैसे वीडियो चाहिए। और आप लोग कमेंट करते रहिएगा और अपना पूरा प्यार सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखें। मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।